Hey guys, this is Pavan and you're watching Study Skill Success. Then guys, अगर आप students news देखते हैं तो आपको news पता चल गई होगी कि lockdown 5.0 को जो है वो extend कर दिया गया है till 30 of June तक, यानी कि 30 जून तक आपकी जो guidelines वगैरह government की थी वो जारी रहेगी. आपको जो government द्वारा जारी guidelines हैं उन सभी को follow करना पड़ेगा, ठीक है. तो अब lockdown जब एक्सटेंड कर दिया गया है 30 ऑफ जून तक, तो अब एनटी और एमएचआरडी की एग्जाम के प्रति जो स्ट्रेटजीज है वो क्या रह सकती है, इसके ऊपर थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे. आपके भी जो भी ओपिनियंस वगैरह रहते हैं तो वो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है. जो भी आपको लगता है तो वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा. पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं उन सभी को मैं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है गाइस. तो इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको लॉकडाउन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ ब्रीफ में, कि लॉकडाउन 5.0 को जो है वो 31st ऑफ मई यानी कि कल से रिलीज कर दिया जाएगा. कल लॉकडाउन 4.0 जो है वो एंड हो रहा है. सरकार का कहना है कि लॉकडाउन 5.0 में जो गाइडलाइंस है वो जारी रहेगी, यानी कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस की पालना जो है वो करनी पड़ेगी. हालांकि जो लॉकडाउन की जो नियम्स वगैरह बनाने का जो फैसला है वो स्टेट वाइज दिया गया है. मध्य प्रदेश ने अनाउंस किया गया है कि वो जो अपना लॉकडाउन है वो 15 जून तक जारी रहेगा, और बोला गया है कि जुलाई में आपके स्कूल्स वगैरह को भी ओपन कर दिया जाएगा, ठीक है. स्कूल्स वगैरह को भी रीओपन कर दिया जाएगा. एमएचआरडी का भी ऐसा ही ऑफिशियल अपडेट आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि जुलाई मंथ में स्कूल्स वगैरह को रीओपन कर दिया जाएगा. हाँ, हालांकि जो मंदिर वगैरह है, हॉस्टल, होटल, जो रेस्टोरेंट है और शॉपिंग मॉल्स है उनको खोलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन वो जो है वो 8 जून के बाद, यानी कि 8 जून के बाद ही जो मंदिर वगैरह है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, उसके बाद होटल हो गए, आपके रेस्टोरेंट्स होंगे, आपके शॉपिंग मॉल्स होंगे, उन सभी को 8 जून के बाद जो है वो रीओपन कर दिया जाएगा, ओपन कर दिया जाएगा, ठीक है. इसके बाद जो कुछ इतनी बड़ी छूट दी गई है, हालांकि केसेस भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन केसेस मिलने के अलावा अपनी रिकवरी रेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. उतने ज़्यादा जितने केसेस मिल रहे हैं उससे ज़्यादा रिकवर भी हो रहे हैं. तो सिचुएशन अगर देखी जाए तो कुछ हद तक अंडर ऑफ कंट्रोल है, ठीक है. ऐसे में नीट और जेई के एग्ज़ाम्स को लेकर आप एनटी और एमएचआरडी की स्ट्रेटजी क्या रहती है लॉकडाउन एक्सटेंड करने के बाद, उसके बारे में हालांकि उम्मीद है कि कल एचआरडी मिनिस्टर का ऑफिशियल ट्वीट आ जाएगा, उस ट्वीट पर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस. एंड आपका इसके बारे में क्या राय रहती है, आपका क्या ओपिनियंस, आपके क्या थॉट्स रहते हैं, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा. आपके स्टूडेंट्स के जो ओपिनियंस और थॉट्स है वो ज़्यादा मैटर करते हैं न्यूज़ को लेकर, ठीक है, न्यूज़ से. तो आप की प्रिपरेशन कैसे चल रही है वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा. क्या ऑनलाइन प्रिपरेशन और जो एनटी अभ्यास ऐप है उससे रिलेटेड कोई भी आपको मतलब दिक्कत हो रही है तो उसके बारे में भी आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप हमसे जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं वो पूछ सकते हैं. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या सिंपली आप स्टडी स्किल सक्सेस अगर इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे तो भी अकाउंट मिल जाएगा. अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र नहीं है, व्हाट्सएप यूज़र है, तो चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स वगैरह है उनको आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है गाइज. तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको लॉकडाउन एक्सटेंड को लेकर देनी थी, जो मैंने आप सभी को स्टूडेंट्स को दी है. गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा. चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे.